जो ब्रेजा लेने वालों के लिए बहुत बड़ी न्यूज है कि उन्होंने, जो बोलूंगा, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक एक सब्सक्राइब करके जाइए। तो गाइस, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं पीआरजी ब्लॉग। तो भाई बहुत ही बड़ी न्यूज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। जो भी ब्रेजा को परचेज करने की सोच रहे थे और उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि भाई स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी तो अब एमटी वाले वेरिएंट्स में से हट गई है, तो मैं ब्रेजा नहीं लूंगा, तो भाई मारुति ने साइलेंटली उसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया है। पहले बात करते हैं कि जुलाई 2023 के अंदर मारुति ने साइलेंटली इस चीज को ना एकदम से हटा दिया था, अपने जितने भी एमटी वाले वेरिएंट से, मतलब कि मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर से, मारुति सुजुकी ब्रेजा में से स्मार्ट हाइब्रिड या माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को मारुति ने रिमूव कर दिया था। लेकिन जनवरी 2024 के अंदर, लेट 2024 के अंदर, उन्होंने फिर से इसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया है। हाँ, थोड़ा सा अभी भी मारुति ने एक चीज का ध्यान नहीं रखा कि अब सिर्फ ये जो आपको टेक्नोलॉजी है ये ZXi और ZXi प्लस वाले वेरिएंट्स में मिलेगी, मतलब ये LXi और VXi में अभी भी नहीं है। तो वो चीज ना मेरे को अच्छी नहीं लगी कि यार करना ही था तो सारे में कर देते, मतलब ये दो वेरिएंट्स के साथ ऐसी नाइंसाफी। क्यों? क्योंकि जब न्यूली मारुति सुजुकी ब्रेजा लॉन्च हुई थी तब इसके सारे वेरिएंट्स में आपको ये माइल्ड हाइब्रिड या स्मार्ट हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी मिलती थी। अब देखो इसके फायदे क्या हैं, इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। बल अगर बात करी जाए कि नॉन हाइब्रिड वाली जितनी भी ब्रेज आ रही थी उनकी माइलेज कितनी थी, तो वो 17.38 का माइलेज आपको कंपनी क्लेम करती थी, लेकिन जैसे ही अगर आप स्मार्ट हाइब्रिड के साथ लेते हैं तो ये हो जाती है 19.8, मतलब ये ZXi ZXi प्लस वाली बात करूं जिसमें अलॉय लगे आते हैं, लेकिन अगर आप LXi VXi ले तो 20 प्लस जाती थी। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 के आसपास इसकी माइलेज मिलती है आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक SUV आपको इतना माइलेज निकाल के देती है। अब ये टेक्नोलॉजी को रिमूव करने या ऐड करने से, मारुति ने देखो जब इसको रिमूव करा था तब भी कोई प्राइस को डिक्रीज नहीं किया था, अब इसको रीइंट्रोड्यूस करा है फिर से प्राइस में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करी है, वही सेम प्राइस है जैसे पहले थी वही है। थोड़ा बहुत हो सकता है जो उनका एनुअली इंक्रीमेंट्स होता है, जो एनुअली उनके प्राइस इंक्रीज होते हैं उसमें वो इंक्रीज होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी को लेकर उन्होंने कोई भी प्राइस नहीं बढ़ाया, पहले घटाया भी नहीं था, ये भी याद रखना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने फिर से वो स्टेप लिया और लोगों की सुनी, क्योंकि लोगों को यार सच में लग रहा था कि यार ये चीजें नहीं हटानी चाहिए थी, या तो आपको देना ही नहीं चाहिए था और अगर दिया है तो इसको हटाना नहीं चाहिए था। अब ये देखो हमें नहीं पता कि वो क्यों उन्होंने उसको डिस्कार्ड करा था, फिर से उसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया, ये चीजें हमें नहीं पता थी, बट लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनली मारुति ने लोगों की सुनी और ZXi ZXi प्लस वाले वेरिएंट्स के अंदर उन्होंने स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया है। मिशन है, देखो ऑटोमेटिक में तो आपको पहले से ही है, चाहे आप कोई सा भी वेरिएंट्स खरीदेंगे उसमें आपको क्या कहते हैं स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिली रही थी, उन्होंने एमटी वाले वेरिएंट्स में से इसको हटा दिया था, फिर से वो रीइंट्रोड्यूस हो गई है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ब्रेजा लेने वालों के लिए बहुत बड़ी न्यूज है कि उन्होंने स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया है। होपफुली ये शॉर्ट वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके हर कमेंट पर लाइक करता हूँ। एक चीज फिर से बोलूंगा, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक एक सब्सक्राइब करके जाइए।